आशा सुपरवाइजर और आशा श्रमिक संगठन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, वेतन बढ़ोतरी को लेकर किया जा रहा है जंगी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आशा एवं आशा सुपरवाइजर श्रमिक संगठन के द्वारा सरकार के खिलाफ वेतन बढ़ोतरी को लेकर एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया है। आशा श्रमिक संगठन के अध्यक्ष संपतिया बाई राठौर ने बताया कि सरकार के द्वारा हमारे प्रति भावनात्मक रवैया अपनाना होगा। 2000 मासिक राशि से घर नहीं चलता है, सरकार को 10,000 से ऊपर की राशि आशा कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत करना होगा एवं सुपरवाइजर बहनों के लिए 20,000 से की राशि देनी होगी। कोविड-19 के समय में हमारी आशा बहनों ने चुनौतियों को पार करते हुए सरकार को WHO से अवार्ड भी दिलवाया था, लेकिन सरकार इन सब बातों को भूल गई है। हमारी बहनें रात दिन लगातार मेहनत कर रही हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण करने में लगातार सहयोग कर रही हैं, किंतु सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। इन सभी समस्याओं से क्षुब्ध होकर हम सभी आशा और आशा सुपरवाइजर बहनें सरकार के सामने मजबूरन धरने पर बैठ गए हैं। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं, ये धरना अनवरत जारी रहेगा। और जिला अध्यक्ष आशा उषा सहयोगी संगठन से किन विषयों को लेकर आज आप सरकार के सामने ये हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को जो 2,000 रुपये दिया जाता है उसके लिए मांग कर रहे हैं, और आशा सुपरवाइजर को भी 10,000 जो दिया जा रहा है उसको बढ़ा के कम से कम उनको जीने लायक वेतन आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय दिए जाए और आशा सुपरवाइजर को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए। कितने बिंदुओं को लेकर आप शासन को ये धरना प्रदर्शन? हम अभी 9 बिंदुओं को लेकर शासन के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख तौर पर कौन कौन से बिंदुए हैं? प्रमुख तौर पे हमारी है कि आशा कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और आशा पर्यवेक्षक को भी, और आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक दोनों को ANM भर्ती में पूर्ण रूप से ट्रेनिंग देकर लिया जाए, और उसके साथ साथ इनको जब रिटायर होने पर इनका जो होता है उनमें 5,00,000 रुपए तक का इनको दिया जाए, क्योंकि सेवा समाप्त होने के बाद कोई भी इनके पास कुछ भी राशि नहीं रहेगा, तो कम से कम 5,00,000 रुपए तक का शासन राशि दे इनको। और उसके साथ साथ जहां भी जैसे बीमा योजना है उसमें भी पूरी पूरी बीमा होना चाहिए हमारी बहनों का। और फिर जैसे कोई असुविधा है, अभी हमें हॉस्पिटल में कई प्रकार की समस्याएं होती है और जो शासन ने बढ़ाया हुआ राशि है इनका वो भी कटौती हो रहा है, तो इन सब चक्करों को लेकर बार बार आशा कार्यकर्ता परेशान न रहें और सारे इनके जितने मांगे हैं उनको शासन पूर्ण करें। यदि सरकार इसी तरह अपनी हठधर्मतन रही, मांगे नहीं मानती है, तो अभी क्या आप रणनीति बना के रखे हुए हैं? अभी हम लोग ये मांग जारी कर दिए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोगों ने जाने का निर्णय ले लिया है, और सरकार हमारी बात अगर जल्दी नहीं मानती तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। कब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन आप कब से जारी कर रही हैं? ये आज से जारी है, आज हम लोगों ने हर जगह सूचना दे दिया है, आप लोगों के माध्यम से हमने उनको यही दे रहे हैं संदेश कि अब आज से हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और जब तक हमारी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।